सो हेलो एंड जयता, और आज का टॉपिक है रूरल मार्केटिंग मिक्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू लाइक एंड शेयर माय विद यू, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। एज आई हैव सीन, जो लोग नॉन सब्सक्राइबर हैं वो मेरे वीडियो ज्यादा देखते हैं, जो सब्सक्राइबर हैं वो नहीं देख रहे हैं। तो प्लीज थोड़ा रहम करें और सब्सक्राइब कर लें। सो व्हाट वी विल लर्न इन दिस टॉपिक, वी विल लर्न व्हाट इज रूरल मार्केटिंग मिक्स, व्हाट आर द फोर एज ऑफ रूरल मार्केटिंग मिक्स, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन डेवलपिंग अ रूरल मार्केटिंग मिक्स, एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रूरल मार्केटिंग मिक्स। तो आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट इज रूरल मार्केटिंग मिक्स? तो रूरल मार्केटिंग मिक्स, जैसे कि आपने मार्केटिंग मिक्स के बारे में तो सुना ही होगा, मार्केटिंग मिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फोर पीस, जो कि ई जेरोम मैकार्थी ने दिया हुआ था। उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया है फोर पीस का कॉन्सेप्ट, जिसमें प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन आता है। जब हम मार्केटिंग मिक्स ऑफ रूरल मार्केट के बारे में बात करते हैं या रूरल मार्केटिंग मिक्स के बारे में बात करते हैं, तो वहां पे जो डेफिनेशन है उसमें रूरल कॉन्टेक्स्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड रूरल मार्केटिंग मिक्स रेफर्स टू द सेट ऑफ एक्शंस, tactics, tools, and variables that a marketer uses to promote or sell its product into the rural market. अपने product को sell करना, उसको promote करना, उसके बारे में लोगों को बताना, जो भी वो अपने product का exchange के लिए जो भी एक seller, जो भी एक manufacturer और जो भी एक marketer करता है, in order to get the product sold, in order to get the product sold, sorry. In order to get the product sold into the market, rural market, in order to get everyone know about that particular product, and उसके पीछे का काम, मतलब उसको बनाना, and how the product has been manufactured, how the product has been priced, उसका distribution कैसे हुआ, उसका promotion कैसे हुआ, और finally exchange का जो प्रोसेस है, स्टेप है, ये पूरा प्रोसेस जब हम एक रूरल कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, जो भी वेरिएबल्स, जो भी कंपोनेंट, जो भी टूल्स, टेक्निक्स यूज हुए हैं, उन सब को हम रूरल मार्केटिंग मिक्स कह सकते हैं। रूरल मार्केटिंग मिक्स इज अ कस्टमाइज्ड स्ट्रेटजी, कस्टमाइज्ड है। आप उसको एक सिंबल, मतलब आपने जो अर्बन मार्केट के लिए यूज किया है मार्केटिंग मिक्स, उसी को एक्सटेंड करके आप रूरल मार्केट में नहीं जा सकते। यू विल हैव टू कस्टमाइज योर पॉलिसीज, यू विल हैव टू कस्टमाइज योर डिजाइन इन ऑर्डर टू मीट दैट कस्टमर इन अ रूरल मार्केट। सो रूरल मार्केटिंग इज अ कस्टमाइज स्ट्रैटेजिक मेकिंग, जहाँ पे आप ओवरऑल मार्केटिंग, ओवरऑल जो मार्केटिंग अप्रोच रखते हैं वो सिर्फ इसलिए, वो उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो रूरल कस्टमर्स के नीड को सेटिस्फाई करना और उनके लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना, और प्लस वहाँ के नीड्स को इफिशियंटली और इफेक्टिवली मीट करना होता है। इफिशियंट बिकॉज आपका जो इनपुट है, जो वेरिएबल्स है, वो सारे वेरिएबल्स should never be less than the output generated. Efficient होना चाहिए, output हमेशा अच्छा होना चाहिए, output हमेशा आपके लगाए हुए सारे inputs, जितने भी variables आपके input में आते हैं उन सारे variables से आपका जो output है वो ज्यादा होना चाहिए, efficient होने चाहिए आपकी सारी activity। और ये सारे activity का जो पूरा back end process होता है rural marketing mix, एक customized strategy की तरह हम काम करते हैं in order to bring our product to the rural market and फिर वहां पे उस product को sell off करना। So this is rural marketing mix. जब आप rural marketing mix के बारे में बात करते हैं तो rural marketing mix में दो तरह के frameworks use होते हैं। पहला framework है 4 P's का, जो कि आप जानते हैं popular E. J. McCarthy का दिया हुआ 4 P's का जो कॉन्टेक्स्ट है वो है, जिसमें कि हम रूरल प्रोडक्ट, रूरल प्राइसिंग, रूरल डिस्ट्रीब्यूशन एंड रूरल प्रमोशन के बारे में बात करते हैं। रूरल प्रोडक्ट का मतलब ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो स्पेसिफिकली रूरल पॉपुलेशन को ध्यान में रख करके बनाया गया है। इट इज नेवर एन एक्सटेंशन ऑफ एन अर्बन प्रोडक्ट। बस वो जो अर्बन मार्केट में चल रहा है वही प्रोडक्ट अगर रूरल मार्केट में लेके चले जाएंगे, इट्स नॉट नेसेसरी दैट इट विल बी हिट इनटू दैट मार्केट, नो, वो वहां पे जाके फेल कर सकता है। तो आपके रूरल मार्केट के हिसाब से आपको रूरल मार्केटिंग, रूरल मार्केट के टेस्ट, प्रेफरेंसेस और अदर डेमोग्राफिक वेरिएबल्स, इकोनॉमिक वेरिएबल्स, ऑल अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट अ बिजनेस, उन सबको ध्यान में रख करके आपको प्रोडक्ट डिजाइन करना पड़ेगा। प्रोडक्ट डिजाइन के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आती है प्राइसिंग, और जैसा कि आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि रूरल कंज्यूमर बहुत प्राइस सेंसिटिव होता है, तो प्राइस सेंसिटिविटी को देखते हुए डिमांड इलास्टिसिटी को, बिकॉज क्या है डिमांड भी बहुत सीजनल होता है, वहां पे ऐसा नहीं कि हमेशा आपको डिमांड मिलेगा, तो प्रोडक्ट
के हिसाब से आपको प्राइसिंग भी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको रूरल मार्केट में एकदम डिफरेंट होंगे अर्बन मार्केट से. तो वहाँ के प्राइसिंग, वहाँ के कंडीशंस को देखते हुए, इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए ही हम प्राइसिंग कोट करते हैं. तो रूरल प्रोडक्ट अलग होता है, रूरल प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज क्या होंगी. रूरल प्राइसिंग के बाद आता है हाउ विल यू रीच द कंज्यूमर. आप अपने प्रोडक्ट के साथ उस वहां पे कैसे पहुंचेंगे, मतलब आपका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा. तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है वो भी रूरल मार्केट में बहुत डिफरेंट होता है, बिकॉज इट इज नॉट दैट हर एक 10 10 कदम पे आपका कोई रिटेलर होगा और एक बार आप गाड़ी लेकर निकले और हर जगह अपना सामान पहुंचा दिए. नो, इट्स नॉट पॉसिबल इन द रूरल मार्केट, बिकॉज बहुत डिस्पर्शन, स्पेशल डिस्टेंस बहुत हाई होता है. एक एक विलेज से दूसरे विलेज में ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं हो सकता. ऐसा हो सकता है कि आप ओवरनाइट ट्रैवल नहीं कर सकते, आपको हमेशा उजाला होने का वेट करना पड़ेगा, तभी आप जा करके आप अपना सामान पहुंचा सकते हैं. तो जो टाइम फ्रेम है वो भी बहुत लंबा हो सकता है, वहां पहुंचना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है. तो डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट रूरल मार्केट में बहुत हाई होता है. तो ये चेक करना कि हम कौन से मार्केट में, मतलब कौन से विलेज में जाएंगे, कौन से विलेज में नहीं जाएंगे, कौन सा प्रोडक्ट लाइन लेके जाएंगे, कौन सा प्रोडक्ट लेके नहीं जाएंगे, एवरीथिंग हैज टू बी डिसाइडेड बिफोर डिसाइडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. सो रूरल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बाद आता है प्रमोशन. हाउ विल यू प्रमोट योर प्रोडक्ट. तो वहां पे आप स्पैम ऐड चला करके और फिर आप स्काई रॉकेटिंग करके जीमेल में, अगर आप चाहेंगे कि आप अपना एडवर्टीजमेंट कर लें, वो रूरल में पॉसिबल नहीं है. अभी भी आप रूरल मार्केट्स में देखेंगे तो वहां पे जो पॉपुलर वेज है प्रमोट करने को प्रोडक्ट का, आप वहां देखेंगे वॉल पेंटिंग, वहां पे आप होर्डिंग्स नहीं देखेंगे, आप बिलबोर्ड्स नहीं लगे हुए हैं लाइट्स के साथ, एकदम बड़े बड़े ग्लो साइन बोर्ड्स. नो, इट इज नॉट देयर. आप जा अभी भी आप अगर अपने विलेजेस में जाएंगे तो वहां देखेंगे कि एक पूरा घर है, घर का कोई वॉल है, आउटर वॉल बाउंड्री है, उसको उन्होंने वॉल पेंट करके रखा हुआ है जिससे कि वो प्रमोशन कर रहे होते हैं. या फिर कोई रिक्शा वाला है, वो पूरा एक बैनरिंग करके और पूरे गांव में घूम रहा है कि यस दिस इज द न्यू प्रोडक्ट बीइंग लॉन्च, और दिस इज द न्यू मूवी, और दिस इज द न्यू गवर्नमेंट स्कीम. तो वहां पे जो प्रमोशन का तरीका है वो भी बहुत डिफरेंट होता है अर्बन मार्केट से. तो रूरल मार्केटिंग मिक्स में द फर्स्ट फ्रेमवर्क इज 4 P's एंड द सेकेंड फ्रेमवर्क इज 4 A's, जिसको कि हम 4 A's ऑफ रूरल मार्केटिंग भी कहते हैं. एंड व्हाट आर दीज एज. तो सबसे पहला आता है अफोर्डेबिलिटी. अफोर्डेबिलिटी, आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं रूरल मार्केटिंग के लिए, तो जैसे आपको बार बार बताया जाता है कि रूरल इंडिया, रूरल मार्केट्स आर वेरी प्राइस सेंसिटिव, आर दे आर वेरी कॉस्ट सेंसिटिव, और वो ऐसी चीजें नहीं खरीदते जो बहुत लैविश हो या फिर बहुत लग्जरी प्रोडक्ट्स हो, उस पे उनका फोकस नहीं होता है. उनका जो फोकस होता है वो होता है, वो क्वालिटी से ज्यादा अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी को ज्यादा प्रिफर करते हैं, कि जो सामान वो एफर्ड कर सके, जो सामान वो आराम से खरीद सके, वो उनका फोकस उन पे होता है. तो प्राइसिंग आपको बहुत ध्यान से करनी होती है रूरल मार्केटिंग में. द सेकेंड थिंग इज अवेयरनेस. आर दे अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट, दैट द प्रोडक्ट इज एग्जिस्ट और नॉट. अवेयरनेस, दैट इज द प्रमोशन. और 4 A's में द सेकेंड ए और द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केटिंग मिक्स इज अवेयरनेस. यू नीड टू मेक योर ऑडियंस अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट. द थर्ड थिंग इज अवेलेबिलिटी. हाउ यू आर अवेलेबल ओवर देयर, आपकी अवेलेबिलिटी कैसी है, आप वहां पे कैसे, आप अपने रूरल कंज्यूमर्स के साथ कैसे पहुंच पा रहे हैं. तो बहुत बार आप रूरल मार्केट में देखेंगे कि एक रिटेलर है, वो उसके पास बहुत सारे प्रोडक्ट का, मतलब वो दवाई भी बेच रहा है, वो आपको मैगी भी बेच रहा है, वो किराने का सामान भी बेच रहा है, और एक छोटा सा काउंटर लगा रखा है जिसमें कि वो कपड़े भी बेच ले रहा है. मतलब वो हर एक तरह की जरूरतों को पूरा कर रहा है जो उसके गांव वाले की नीड है. तो हाउ विल यू रीच दैट पर्टिकुलर रिटेलर, दैट इज अ टास्क ओवर देयर. तो अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, बिकॉज उसके पास भी लिमिटेड स्पेस है, उसके पास जो कंज्यूमर है वो भी काफी लिमिटेड है. तो विल यू स्पेंड दैट मच अमाउंट टू रीच दैट पर्टिकुलर कस्टमर, टू रीच दैट पर्टिकुलर रिटेलर, टू रीच दैट पर्टिकुलर विलेज, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क. सो अफोर्डेबिलिटी, अवेयरनेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज एक्सेप्टेबिलिटी. और जो ये 4 A's का प्लेटफॉर्म है, 4 A's का जो फ्रेमवर्क है, इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. रूरल मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो अर्बन मार्केट में बहुत हिट होते हैं, बहुत हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन रूरल मार्केट में उसको एक्सेप्ट भी नहीं किया जाता, उसको लोग नहीं खरीदना चाहते. जैसे फॉर एग्जाम्पल कारवा, जो सारे गा मा पा कारवा, पीपल आर फॉन्ड ऑफ लिसनिंग ओल्ड सॉन्ग्स इन विलेजेस ऑल्सो, बट दे विल नॉट इन्वेस्ट फॉर 5,000, 6,000, 10,000, 11,000 ओनली टू बाय अ रेडियो टाइप लुकिंग
machine where monotonously 6,000 songs will be playing every day, the same song will be playing. So wo acceptability, क्या वो accept करेंगे? आप बहुत high-tech product अगर आप बेच रहे हैं तो वो उनके लिए वो acceptable नहीं है. They sometimes find it very useless. उनके लिए वो काम का नहीं है. तो acceptability, availability, awareness and affordability of the product, of the services you are offering. Are the people aware about it? Are the people know about the product? Is the product affordable? Is the product acceptable? And are they aware that this particular product or service exists? That is the biggest challenge in the rural marketing, and this rural marketing mix basically focuses on the acceptability and awareness of that particular product. तो ये एक अलग फ्रेमवर्क है जिसके ऊपर आप काम आपको रूरल मार्केट में करना पड़ेगा, या फिर आप कह सकते हैं कि रूरल मार्केटिंग के लिए जो मेजर मार्केटिंग मिक्स होता है ये 4 A's होता है. 4 P's तो है ही, लेकिन 4 A's के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना होता है जब आप रूरल मार्केट में जा रहे होते हैं. सो व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व व्हाइल डिजाइनिंग और डेवलपिंग एनी रूरल मार्केटिंग मिक्स? तो पहला स्टेप तो यही है और हमेशा से यही रहेगा. मार्केटिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक थॉट प्रोसेस है, यू नीड टू अंडरस्टैंड योर कंज्यूमर. तो अंडरस्टैंडिंग द रूरल कंज्यूमर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड द वेरी फर्स्ट स्टेप इन एनी मार्केटिंग एक्टिविटी. सो अंडरस्टैंड द रूरल कंज्यूमर, व्हाट आर देयर नीड्स, व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल एवरीथिंग. द सेकंड स्टेप इज यू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट. आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, विल इट मैच टू द सेम रूरल कंज्यूमर यू आर टारगेटिंग एट? सो अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. The next thing is understanding the competition. What are the different competition available over that place? आपको वहाँ पे किसके साथ compete करना है? ये भी आपको देखने की ज़रूरत पड़ेगी कि आपका competitor क्या है या कौन है वहाँ पे. Accordingly आप अपने product को क्या करते हैं? Placement evaluation, मतलब उसकी positioning, उसकी जो targeting positioning strategy होती है, STP, segmentation targeting positioning. How will you target? What will be your segment? How will you position your product? Everything has to be decided only once you know who is your competitor. So first understand the consumer, second understand the product, third thing is you understand the competition, the fourth thing is you need to evaluate what are the positional strategy, what are the different positional strategy you have, and where will you position your product, and determine the communication strategy. How will you communicate to the consumer that you are there? Because आपने 4 A's में बात करी है कि you need to make people aware of the product. आपको बताना जरूरी है कि आप exist करते हैं. So awareness is an important marketing mix. और उसके लिए आपको communication strategy बनानी बहुत जरूरी है. And the next thing is and the last thing is every time you need to review a plan. Because क्या है कि rural market is completely different from an urban market and every rural market is different from another rural market. So ये 5 steps हैं 6 steps हैं जो भी आपको rural market को जब आप develop कर रहे हैं तो उस वक्त आपको ध्यान रखने की जरूरत है. These are the steps you need to carry out. जैसे कि आपको second step है you understand the product. तो understanding the product का usage बहुत बार हो सकता है कि rural market में different हो सकता है. For example आपने एक स्टोरी सुनी होगी कि जो हेयर डाई हम अर्बन मार्केट में हेयर कलर यूज करने के लिए करते हैं, पंजाब हरियाणा में वो उसको अपने बफेल्स को कलर करने के लिए करते हैं ताकि उससे वो उनकी जो एनिमल्स हैं जो वो यंग दिखे और उसके लिए उनको ज्यादा अच्छी प्राइसिंग मिल पाए. तो अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्ट, व्हाट आर डिफरेंट यूसेज एंड हाउ अ रूरल कंज्यूमर विल रिएक्ट टू दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, दैट हैज टू बी अंडरस्टूड एंड इट हैज टू बी डिटरमाइंड प्री डिटरमाइंड बाय द मार्केटर. एंड how and why it is so important to understand rural marketing mix. So the first importance of rural marketing mix is it is the rural consumer which is the focal point of any rural marketing activity. So if you are focused about the rural customer, you need to work upon the rural marketing mix. It is an important tool for any marketing program directed towards any rural market. It facilitates communication because whenever you're trying to reach your rural market, you need to work on your rural marketing mix. और उसके लिए communicate, aware कराना, लोगों को बताना बहुत जरूरी है. तो rural marketing mix अगर आप नहीं बनाएंगे, अपने product को ध्यान में रखते हुए awareness के ऊपर काम नहीं करेंगे, communication के ऊपर काम नहीं करेंगे, आप अपने consumers तक नहीं पहुंच पाएंगे. तो it is very important to know your rural marketing mix, to plan your rural marketing mix. It is also
इट ऑल्सो हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल्स, लाइक बहुत सारे वेरिएबल्स जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, जैसे कि प्रोडक्ट में अगर आप वेरिएशन करें उसकी क्वालिटी को अगर आप थोड़ा सा भी अंडरमाइन कर रहे हैं, इट विल अफेक्ट द प्राइसिंग. या फिर अगर आप प्राइस के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को डिजाइन कर रहे हैं, तो अगर आप मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट आप अर्बन मार्केट में 25 रुपए में बेच रहे हो और प्लान करें कि रूरल मार्केट में जाने के लिए मुझे उसे 15 रुपया करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी में चेंजेस करने पड़ेंगे या फिर उसका कोई दूसरा वेरिएबल लाना पड़ेगा. तो आपको वेरिएबल्स को, इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल्स को भी समझने के लिए यू नीड टू वर्क ऑन द रूरल मार्केटिंग मिक्स. एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस एंड प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबल टेक्निक्स कि आप कैसे कैसे, जैसे मान लीजिए अगर आपको एसटीपी ही करनी है, अगर आपको पोजिशनिंग ही करनी है, तो व्हाट आर द डिफरेंट पोजिशनिंग टेक्निक्स, ये पता करने के लिए भी आपको रूरल कंज्यूमर्स को समझना जरूरी है, रूरल मार्केटिंग मिक्स को समझना जरूरी है, उसको प्लान करना जरूरी है. एंड इन ऑर्डर टू लाइक व्हाइल डूइंग ऑल दिस थिंग यू विल फाइंड डिफरेंट टेक्निक्स टू पोजिशन योर प्रोडक्ट इन टू द माइंड्स ऑफ योर रूरल कंज्यूमर. सो दिस इज ऑल अबाउट, सॉरी, this is all about rural marketing mix. Hope you like the video, hope you like the content. If you liked it, please do subscribe to my channel. If you have any queries, please write to me at vijayata.rwc@gmail.com, and you can comment in the comment box also. I will be happy to answer all the queries, and please do subscribe to my channel. Thank you very much.